कैसे सब आज का सीन कुछ ऐसा है, मैं आपको पहले व्यू दिखा देता हूँ। बाहर बारिश लगी है, बाहर हम जा रहे हैं मैकलोड का। मेरे को रिशु भाई की कॉल आई, ये हमारे साथ रिशु भाई बैठे हैं, इनको तो आप जानते होंगे जिनके हम ससुराल गए थे। और वीडियो नहीं देखी जिसने तो देख लो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। और ये हमारे साथ भाई, और भाई कैसे हो? विवेक भाई, इनका नाम है विवेक, और ये बंटी भाई, और इनका नाम बंटी भाई। बाकी मिलवाएंगे आपको, आके पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी हम जा रहे हैं नड्डी। भाई ने बताया मुझे कि ऊपर स्नोफॉल हो रही है, बड़ी ज्यादा बर्फ गिरी है। मतलब मैंने देखी ना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सबकी स्टोरी देखी। सामने जो बंदा बैठा है ये जो तेरा इस साइड वाला, बहुत खतरनाक राइडर है। आपसे हम इनको मिलाएंगे कभी ऑन रोड भी, बुलेट पे। ये किसी को मानते नहीं है रोड पे, कोई आगे तो रोड से बाहर भी निकाल देते हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट होगी बर्फ गिरने, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, मतलब गोपुर में तो आ नहीं रही होगी। वो देखो मैंगलोर मैं, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, सुपर व्यू पता नहीं दिख रहा है नहीं, पर व्हाइट है वहाँ पे सब कुछ। अभी यहाँ पे चर्च भी दिखाऊंगा मैं आगे आने वाले चर्च। तो गाइस ऊपर व्हाइट व्हाइट। अब हम यहाँ से नट्टी को जा रहे हैं। हर नट्टी जाना है, बंद है रोड, रोड बंद है गाइस, नट्टी में जा रहे हैं। कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है अपना चर्च, बट यहाँ पे कम ही इस टाइम पे ना, और अभी भी हो रहा है ना स्नो इस टाइम, पेड़ से गिर रहा है थोड़ा, ये पानी भी गिर रहा है ऐसे लग रहा है। और ये अभी मैं इंट्रो करवा देता हूँ। ये है अपने विवेक भैया, और ये है अपने बंटी भैया। बंटी भैया अपना इंट्रो दो यहाँ पे आगे। हेलो, माय सेल्फ बंटी बुलेट के राइडर। अभी हम मैकलोडगंज जा रहे थे, पुलिस वालों ने मना किया था जाने के लिए, नड्डी जाने के लिए। अभी हम धर्म ऊपर नहीं जाना, नहीं जाना, गाड़ी आ रही, जाने देंगे। अच्छा जाने देंगे, मैंने सोचा गाइस ये ऊपर भी नहीं जाने देंगे, पुलिस वालों ने मना किया। जाने तो जाने दो, है देखो आराम से। इन्होंने जिस हिसाब से बोला ना क्या करना, पहले लेने बोला हां तो फालतू में घूम रहे हो, मना कर रहे हो। लोकल है हम, अभी जा रहे हैं गाइस हम धर्मकोट। ऊपर बड़ी ज्यादा बर्फ होगी धर्मकोट में, वहां पे दिखाएंगे आपको। इन टाइम जा रहा हूं, पहले KTM के साथ आएगा, इवेंट में भी आया था, उसके बाद ऑफ रोड में आया था। अच्छा, फिर उसके बाद अभी वो बंदों ने क्या किया था, मैंने ये मार तरफ से तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियो दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। यहाँ पे ये सीन होता है देख लो, बस बस ठीक है, ये भी निकाल। ओ भाई टायर्स कितने हो रहा गाड़ी का, ऐसा कुछ सीन है गाइस। यहाँ पे आके बर्फ गिरी है, ओ देखो कैसी बर्फ गिरी है भाई, पेड़ों से भी ये तो सारा ब्लॉक है रास्ता। हमें आएगा लगानी गाड़ी, यही कहीं दबा देनी हमें ये। यहाँ पे ठीक रहे, आ दो ठीक है ना, इधर और दबा के लगा, और दबानी तो और दबा दो, आ जाएगा इधर। स्किट होने का डर है, बैग ले लू मैं, बैग ले लेता हूँ ना, उसमें बैटरी भी है। ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे देख लो, अभी गाड़ियाँ सारी यहाँ से टर्न हो रही है क्योंकि आइस गिरी आगे बड़ी ज्यादा। और यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है, तो आगे रिस्क नहीं लेंगे हम। एक तो यार मैं GoPro का ना वो भी नहीं लेके आया हूँ, ओरिजिनल जो बैटरी डोर होता है। आगे देखो गाड़ी मोड़ने में कितनी दिक्कत हो रही है, वहाँ पे टॉप के कैमरे में दिख रहा हो अपनी भी गाड़ी टर्न कर रहे हैं। आ जाओ मोड़ बस, और कट दिया पूरी कार, दो बड़ी जगह है पे गाड़ी फंस गई है देखो, ये वहीं पे अभी है उसी जगह पे है जहाँ पे अपनी गाड़ी टर्न कर रहे हैं। ये ऊपर से निकले ना, अपने सारा सीन देखा रहे, गाड़ियाँ फंस गई थी, और अभी हम नीचे जा रहे हैं धर्मकोट भी जहाँ पे भाई तुम्हारे यार, देखते हैं यार अभी क्या सीन बन। व्यू देखो भाई आप, नजारा देखो आप, बहुत ही सालों के बाद यहाँ आए हम, बचपन यही गुजरात टिप्पा लाने ना, फिर टिप्पा मेरे साथ यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार कर दी हमने, ऊपर नहीं लेके गए, नीचे लगा दी हमने गाड़ी। अभी यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, कितनी दूर अभी यहाँ से? थोड़ा सही है, 10 मिनट। हाँ 10 मिनट का रास्ता है। वो बाइक भी आ रही है यहाँ पे, और ये बहुत रिस्की है, बाइक को मारो तो ज्यादा रिस्की है। फर्स्ट गियर डालो ना, फर्स्ट गियर डालो ना। कहाँ जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे नीचे, नुकसान कैसे होगा, मतलब यहाँ पे हो सकता है एरिया कैसा? हाँ एरिया कैसा वो तो सही बोला आपने। बाकी व्यू देखो गाइस, व्यू चेक आउट करो, त्रिउंड वाला पहाड़ है, ये त्रिउंड वाला ना, वो गाड़ी आई यहाँ तो बड़ा फास्ट चला है। दूर रह गए हैं, मतलब कि 2-3 मोड़ दूर है, लेकिन आ रहा मेरे चश्मे को बुरा, और थोड़ा ना ये पानी गिरा बार बार, तो मैं GoPro का बैटरी डोर भी नहीं लेके आया, उससे वाटर प्रूफ होता है, मैं ज्यादा नहीं निकाल रहा हूँ GoPro को। देखता हूँ अगर वो पानी ज्यादा नहीं गिर रहा होगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरता ना बीच में, तो मैं GoPro से शूट करूंगा सारा ब्लॉग, और अगर पानी गिर रहा होगा तो फिर फोन से शूट करूंगा, क्योंकि बैटरी डोर लाना भूल गया, नेक्स्ट टाइम से तो याद ही रखूंगा। फंस गई गाड़ी यहाँ पे, हर दूसरी जगह पे पहुंच गए, वैसे अभी मेन धर्मकोट पहुंच गए हैं। मेरे जो चश्मा है उसका हाल खराब है पानी की वजह से। इस बिल्डिंग को चेकआउट करो आप, बर्फ जो गिर रही है ना ऊपर, अलग रेट रखी है। ये रिशु भाई
भाई हमारे ब्लॉक कर रहे हैं, देखो तो क्या ही करेंगे, हम करेंगे थोड़े टाइम बाद। हाँ थोड़े टाइम बाद अभी ये इन्होंने भी अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना, मोटर ब्लॉगिंग। अभी हम धर्मकोट में हैं और ये नज़ारा बर्फ का, भाई अक्षय है इसका यूट्यूब में चैनल है राइड ऑन टू व्हील्स, तो प्लीज चेकआउट किए करें उसको जाके। ये रिशु भाई हमारे ब्लॉग कर रहे हैं, देखो ये ब्लॉग कर रहे हैं। मिलवाऊंगा आपको कभी, हम घूमने जाएंगे ना बाइक पे, तब मिलवाऊंगा आपको यार। आपको मैंने व्यू तो दिखाने थे ना घंटे घंटे, बट सीन ये है कि पानी बड़ा फटी गिर रहा, तो मतलब बर्फ गिर रही है तो इसके ऊपर। और भाई जो भी ब्लॉगिंग करने आएगा ना, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ बर्फ बुर्फ गिरती है, अपने GoPro का बैटरी डोर जो होता है ना ओरिजिनल, वो लाना मत भूलना। जो GoPro यूज करते हैं उनको पता है बैटरी डोर के साथ जो GoPro जो फुल वाटर प्रूफ होता है, विदाउट बैटरी डोर नहीं होता है। व्यूज दिखाने थे बट कैसे दिखाऊंगी यार, लेंस में पानी गिर जा रहा बार बार, वो सीन है। लेंस में पानी गिर रहा ना, तो मैं का व्यू भी कैसे दिखाऊं बार बार, फिर पानी साफ करना। पानी ऊपर से बर्फ गिर रही है। हाँ बर्फ गिर रही है ना यही, और ये थोड़ा पेड़ों से भी गिर रही है, वो देखो वो गिरी। इंजॉय करा होगा होप ये ब्लॉग, यहाँ तक पहुँच गए तो इतना तो मुझे पता है आपने इंजॉय करा होगा ये ब्लॉग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलती है जब आप ऐसा करते। वो सामने वाली साइड देखो पूरा व्हाइट, हाँ ये बागसू है जो मंदिर है जो हम गए थे, वो सामने वाटरफॉल बीच में कहाँ पे, वो मतलब वो जो दिख रहा है ना थोड़ा सा ये पूरा जैसे वो पेड़ों के पास ऊपर जाके बीच में ही तो है वाटरफॉल। हाँ यहाँ पे बीच में जैसे है आगे जाके सारा वो शिवा कैफे उधर ऊपर, और ये त्रिंड वाला ही पहाड़। हाँ ये ब्लॉग भी आएगा गाइस, मैं यहाँ पे गया था। आई डोंट नो कि ये जो ब्लॉग है आज का ये पहले आएगा या वो भागसू वाला आ गया होगा। भागसू वाला ब्लॉग आई बटन पे लिंक दे दूंगा, और नहीं आया होगा तो समझ लेना की भागसू वाला ब्लॉग आएगा। नीचे पहुंच गए हम जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी। अभी तो टोटल सीधा प्लान हमारा यही है की अभी सीधा घर जाएंगे यहाँ से। रिशु भाई छोड़ने जा रहे हैं मुझे अपनी गाड़ी में, इतनी ठंड में ये भाई लोग हमारे आइसक्रीम खा रहे हैं हमारे, देखो ये होते हैं लेजेंड। बल्कि इस टाइप पे कोई गर्म चीज दिखानी चाहिए। ये देखो आपको दिखा देते हैं, ये अपना स्काईवे रोपवे कुछ बोल सकते हैं, वो देखो धर्मशाला स्काईवे ऊपर वाला स्टेशन है, स्काईवे भी करेंगे अभी। ये देख लो कुछ इस तरह से है धर्मशाला का स्काईवे। बस आपको दिखाने के लिए रुके थे यहाँ पे, 500 रुपया टिकट है एक बंदे की, डबल साइड सिंगल साइड 300 रुपीज। मैं आपको एक बार दूर से व्यू चेकआउट करवाता हूँ। ये है अपना धर्मशाला स्काईवे, स्टेशन पे रुके हैं यहाँ पे, स्टेशन देखे मतलब स्टॉप लिया हमने एक, यहाँ पे व्यू चेकआउट करवाते हैं। ये देखो ऊपर ये बर्फ गिरी है भाई, क्या सुंदर लग रहा है यार। होप की कैमरे में वैसा दिख रहा हो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, वैसा देख लो भाई कुछ इस तरह से, और नीचे कोई बर्फ नहीं लगी। और अभी यहाँ पे थोड़ी बारिश भी कम हो गई है। वो हमारे रिशु भाई रील्स बना रहे हैं, रील्स नहीं थोड़ी स्टोरीज। चलो आ जाओ आओ गाड़ी इधर ले आओ, आप निकल जाएगी अभी पागल वाले। तो भाई अभी हम नीचे पहुंच गए धर्मशाला, भी भाई ने छोड़ दी यहाँ पे, और भाई गाड़ी लेके आते हैं। तो ऐसा कुछ था अपना धर्मशाला, और जो स्काई वे है ना यहाँ पे धर्मशाला का, वो नीचे रहा वहाँ पे इस बिल्डिंग के साथ में, यहाँ पे अभी दिख रहा नहीं है यहाँ से, बस दिखाऊंगा उसके लिए एक सेपरेट हम घूमने आएंगे। निकालो भाई आप गाड़ी निकालो, बैठ जाओ। तुम्हारा भाई पहुँच गए घर पे, ऋषि भाई छोड़ने आए थे हमें। ठीक है भैया ना, ओके चलते फिर मिलते हैं फिर। That's it guys, यही था कि वीडियो में मजा आया।